हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश बट जो भी यहां पर आपको निफ्टी के लेवल या फिर जो भी आपको दिए गए थे ओके okay, वो एज इट इज यहां पर काम कार्य काम करते हुए दिखाई दिए ओके okay, यहाँ पर एक सपोर्ट था इस लाइन में आप देख सकते हैं उसी सपोर्ट को इसने रेस्पेक्ट किया ऊपर की तरफ गया और वो अगले दिन पिछले दिन भी अगर जिस तरीके से गिरावट हुई थी तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था गिरावट हो सकती है बट स्टिल यहाँ पर इसने आ, जो सपोर्ट था उसे यहाँ पर आ, का लेवल को बिल्कुल रेस्पेक्ट दिया एज वेल एज यहाँ पर ऊपर के लेवल पे भी आज भी अगर मार्केट गया तो देखिए ये लाइन ऑलरेडी खींची हुई थी ओके okay, इसी के आस पास ऊपर की तरफ जाके नीचे टच करके नीचे आया अब क्या हो सकता है निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप और निफ्टी फिफ्टी में यहाँ पर एक रेंज में फंसे हुए ओके okay, कोशिश कर रहे हो ऊपर जाने की बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्हें प्रिवेंट कर रहा है ऊपर जाने से तो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब तक इस लेवल को इस लाइन को जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ पर एक तेजी के बारे में बिल्कुल मत सोचिए और नीचे का लेवल यहाँ पर इंटेक्ट है ये वाला ओके okay, और जब तक ये सोलह हजार चार सौ का लेवल इन्होंने होल्ड करके रख रखा है तब तक मार्केट में गिरावट भी नहीं होगी और ऊपर जाने के लिए इसे यहाँ पर सोलह आज का जो हाई है सोलह हजार सात सौ तिरानवे और सोलह हजार आठ सौ इसे यहाँ पर क्रॉस करना बहुत जरूरी है इसे क्रॉस किया तो एक दूसरे बॉक्स में चले जाएंगे सोलह हजार नौ सौ इक्यासी ओके तो यहाँ पर आपको पूरा ध्यान देना है और साथ साथ अगर कोई इसी तरीके से यहाँ पर निफ्टी में या किसी में भी ट्रेड लेता है तो जो ये लेवल्स है ना इस लेवल को ध्यान में रखिए इन्हीं लेवल को टच करके चीजें नीचे बार बार आएंगी ओके और क्रॉस भी जब करेंगी तो इसी लेवल को क्रॉस करेंगी तब भी आपको इसी तरीके से ट्रेड लेना है तो ये निफ्टी 50 हो गया इसके अलावा आप मुझसे कहेंगे कि निफ्टी मैटर में मिड कैप में बता दीजिए तो निफ्टी मिड कैप में भी देख सकते हैं एक अच्छी खासी तेजी हुई तेजी के बाद यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई दी अच्छा खासा ये यहां पर मिड कैप ज्यादा गिरता हुआ दिखाई दिया ओके एज कंपेयर टू स्मॉल कैप एंड निफ्टी 50

का अट्ठाइस हाई इसने उनतीस को क्रॉस किया तो एक तेजी बनती हुई नजर आएगी जो ऊपर की तरफ जाएगी और नीचे का लेवल ऑब्वियसली बात है यहां पर जो हमने आपको बता रखा है छब्बीस और एक छब्बीस ये लेवल यहाँ पर आ, Support, जो दूर का सपोर्ट की बात कर रहा हूं वो सपोर्ट यहाँ पर भी इंटैक्ट है इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें निफ्टी स्मॉल कैप में भी इसी तरीके से यहाँ पर काम होता हुआ दिखाई दिया है निफ्टी स्मॉल कैप 50 की तरह चल रहा है और यहाँ पर देखिए ऊपर ब्रेकआउट तो दिया बट ने सपोर्ट को जो सपोर्ट था उसे ही रेस्पेक्ट किया उसी के आसपास यहाँ पर क्लोज हुआ है तब तो तक यहाँ पर यह इंटैक्ट है ओके तब तक सब नीचे गिरने के चांसेस नहीं है और ऊपर के लेवल में जो आज का इसका इन नौ हजार एक सौ अट्ठासी ओके इसे क्रॉस करना बहुत जरूरी है इसे क्रॉस कर दिया तो एक तेजी होती हुई दिखाई

सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिले आप यहाँ पर देख सके बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना और जितना हो सके सीखना है इन नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर ये यह पर यह पर्टिकुलर वीडियो है जो आपको डेली बेसिस पर बनाई तो जाते हैं और जाके चेकआउट करिए तो कौन सा स्टॉक है उससे रिलेटेड हम बातें कर ले सबसे पहले हम स्क्रीन ओपन कर लेते हैं ओके स्क्रीनर ओपन करते ही साथ हम यहाँ पर डालेंगे जिस शेयर का नाम है अनुपम रा अनुपम रसायन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं आज के दिन लगभग परसेंट की गिरावट हुई है क्या यह गिरावट सच में गिरावट है या एक अपॉर्चुनिटी है उससे रिलेटेड बातें करेंगे तो अनुपम रसायन करती क्या है उससे पहले ये जान लेते हैं तो अनुपम रसायन के बारे में जानने से पहले आप यहाँ देख लीजिए इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स विच आर सोल्ड इन लोकल एज वेल एज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्री मतलब यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यहाँ पर मार्केट में काम करता है लाइफ साइंस स्पेशलिटी केमिकल्स में यहां पर इनका नाइंटी टू परसेंट रेवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है इसके अलावा यहाँ पर और कुछ चीजें देखेंगे तो अंडर द वर्टिकल ऑफ द कंपनी ऑफर्स वेरियस स्पेशलिटी केमिकल एक्रॉस कैटेगरी जैसे एग्रोकेमिकल्स में इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड्स में काम करती है पर्सनल केयर में काम करती है फार्मास्यूटिकल्स में कंपनी काम करती है अदर स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे की एट परसेंट का यहाँ पर इनका रेवेन्यू आता है जिसमें अगर हम बात करें

जो सॉरी uh, क्लाइंट है जो इनके लगभग उनसे 81 का दो हजार इक्कीस में आया था इट्स की क्लाइंट की अगर बात करें सिंजेंट अडामा केमिकल जो कि आप देख ही रहे हैं आप कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाई थी यूपीएल एटसेट्रा इसके अलावा क्लाइंट रिटेंशन क्यों आता है इट इज अ अट्रॉन्ग एंट्री बैरियस इन द स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री एज इट टेक्स एज मचीन टू थर्टी टू एक्वायर क्लाइंट

इसके अलावा इनकी एक बार वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको और चीजें यहाँ पर पता चलेगी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो चार सौ पे शेयर आया था लगभग पैसा दुगना किया दुगने के बाद यहाँ पर नीचे आया और ऐसा नहीं है आ, मैं इसे प, अभी ब, आ, वीडियो रहूं। पर वीडियो बना रहा हूँ बहुत टाइम पहले भी यहाँ पर वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले ओके आठ महीने पहले भी यहाँ पर बनाया था ओके आ, इसके अलावा पर आप देखेंगे तो बहुत सारी वीडियोस इससे रिलेटेड ऑलरेडी पर बना रखी है तो एक बार जाके चेक करिए अनुपम से रिलेटेड दो महीने पहले या कुछ दिन पहले भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी और उसके बाद एक रैली भी होती हुई दिखाई दी थी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में और अच्छा खासा ये शेयर यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दिया था तो इस पर्टिकुलर अः को भी जा, लिंक मिलेगा तो ऊपर दे दूंगा तो अनुपम रसायन में यहाँ पर एक बार इनकी वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज को समझ लीजिएगा ओके इनके मैनेजमेंट को समझ लीजिएगा ये सारे फंडामेंटल्स के यहाँ पर अगर बात करें फंडामेंटल्स में आते हुए दिखाई देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है किस किस चीज़ से हाइजीन एंड हेल्थ प्रोडक्ट ये बनाते हैं पब्लिकेशन एंड कैमिन फॉर्मेशन फॉर्मेटिक्स ये बनाते हुए दिखाई देते हैं ग्रीन केमिस्ट्री तो अच्छी खासी यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है तो यहाँ पर एक बार जाके इनकी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए अब आते हैं फाइनेंशियल मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है, है 6813 करोड़ की कंपनी है बट ऐसी कंपनी जो अच्छा खासा रिवेन्यू करती है आगे चल के अच्छा खासा काम भी करके दिखा सकती है पीई पैंतालीस है इंडस्ट्री का पी तेईस है अभी भी अगर बात करें लगभग दोगुने के पीई पे चल रही है और काफी महंगा यहाँ पर शेयर दिखाई देता है आर ओ की बात करें ग्यारह का आरओसी है और नाइन का आरो है तो यहाँ पर कुछ ज्यादा आरो सी आरो नहीं है और अच्छा खासा आरो सी आरो हो तो याद रखिए अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बनता है ऐसी इंडस्ट्री में पैसा लगाने पे मजे भी आते हैं डेट की बात करें तो क्या बेकार है बिल्कुल बेकार नहीं है डेट की बात करें सैंतालीस परसेंट का इसके ऊपर डेट भी है ग्यारह सौ आठ रूपये से यहाँ पर शेयर करेक्ट ओके सिक्स सेवेंटी पे चल रहा है ओके दस की फेस वैल्यू है और इंटरसिव वैल्यू थ्री की है तो शेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊपर भागा और यहाँ पर लगातार यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट में गिरावट थी इस शेयर में गिरावट है तो यहाँ पर गिरावट के पीछे क्या फाइनेंशियल्स है तो एक बार देख लेते हैं फाइनेंशियल तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स पर जाएंगे तो देखेंगे कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और इस बार की सेल्स 317 करोड़ रुपए की है एक्सपेंसेस की बात करें दो सौ करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंसेस है एक्सपेंसेस थोड़े से यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट कम हुई है एम्प्लॉज कॉस्ट भी इन्होंने यहाँ पर काफी कम करी है और यहाँ पर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट नाइनटी है जो की पिछले जब से यहाँ पर ये शेयर मार्च दो की बात करें तो दो साल के अंदर अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मार्जिन की बात करें इकतीस परसेंट अभी तक यहाँ पर इकतीस परसेंट का मार्जिन नहीं दिखा नेट प्रॉफिट की बात करें फोर्टी फाइव करोड़ रुपीज का यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ रहा है ओके जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है और तब जब यहाँ पर अदर इनकम कुछ नहीं अदर इनकम पांच छह करोड़ की होती लास्ट टाइम की तरह तो पचास करोड़ का नेट प्रॉफिट होता है ईपीएस तो एक अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट टर्म ट्रेड में लॉन्ग तो टर्म में तो अच्छा खासा पैसा देगा क्यों देगा लॉन्ग टर्म में यहाँ पर देखिए यहाँ पर ईयरली सॉरी एक बार यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे कंसोलिडेट रिजल्ट भी देख लेते हैं तो इकतीस का मार्जिन है एज इट इज तो यहाँ पर आप जाएंगे और देखेंगे तो कंपनी ने साल के अंदर अंदर लगभग दो गुना तो इन्होंने अपनी सेल्स कर लिया है प्रॉफिट की बात करें तीन साल के अंदर न न तीन गुना कर लिया है। की बात करें तो यहाँ पर सब चीज पर अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे, अच्छा दे रहा है और कंपनी का पिछले ग्यारह साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो टेन टाइम्स होती हुई दिखाई दी है तो ऐसी ही कंपनी और देखिए प्रॉफिट सात करोड़ से वन करोड़ हो गया तो ऐसी कंपनी अगर ग्रो नहीं कर रही यहां पर देखिए ग्रो का सीधा दिखाई दे रहा है कि कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रही है तो आगे चल के ऐसी कंपनी आपको करोड़पति बना सकते हो केमिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि हर जगह इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं ओके हर जगह इनके केमिकल्स यूज होते हैं हर चीज में आप केमिकल यूज होते हैं तो बिना केमिकल्स के तो कुछ हो ही नहीं रहा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये इंडस्ट्री अच्छा खासा पैसा देगी और इट इज वन ऑफ द स्टॉक जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है रिजर्व्स यहाँ पर लगातार रिजर्व्स बढ़ रहे हैं 23 करोड़ के रिजर्व 11 साल पहले थे आज 1624 करोड़ के रिजर्व्स है बोरइंग धीरे धीरे साथ साथ बोरइंग भी बढ़ रही है बट बॉरिंग यहाँ पर बढ़ना कोई बुरी बात नहीं आगे कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है इसके अलावा कंपनी की बात करें वर्किंग प्रोग्रेस में तैतालीस करोड़ रुपए है यहाँ पर uh, कैश की बात करें कंपनी का लगभग दो करोड़ रुपए का कैश भी है और यहाँ पर बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग 65.18% की है, है। थोड़ी सी पर पर होल्डिंग पर कम होती दिखाई दी बने हुए, इसकी बात करें के पास करे, कब 25 की होल्डिंग है, 25 में भी लगभग मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास वन पॉइंट जीरो की होल्डिंग है तो लगभग अगर हम इसे बात करते हैं ट्वेंटी तो लगभग फोर परसेंट की हिस्सेदारी किसके पास लगभग अनुपम रसायन अनुपम आप देखेंगे एक बेहतरीन लिया था सबसे पहले इसी सपोर्ट को इसने यहाँ पर देखिए यहाँ पर, पर भी इंटेक्ट होता हुआ दिखाई दिया था नीचे गिरा था और फिर अभी जब यहाँ पर एक कैंडल बनी थी तो दोबारा यहाँ पर यह शेयर ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया था

एंट्री लेने पर ये शेयर गिरे थ्री सिक्स एटी वन का चल रहा है और अगर गिरावट हुई तो यहाँ पर इसका सपोर्ट बनता है छह सौ इकतालीस के आसपास तो चालीस पर चालीस रुपए तक ये शेयर यहाँ पर गिर सकता है और ऐसा नहीं है चालीस रुपए के अस्सी रुपए भी गिर सकता है और गिरने को यहाँ पर डेढ़ सौ रुपए भी गिर सकता है बट जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है मार्जिन कंपनी के मार्जिन काफी बेहतरीन है कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है और कंपनी यहाँ पर लगभग कितने परसेंट गिर चुकी है वो भी यहाँ पर देख देखेंगे तो आपको पता चलेगी अपने टॉप से ये ये शेयर लगभग अड़तीस परसेंट उनतालीस परसेंट गिर चुका है जो अड़तीस परसेंट उनतालीस परसेंट शेयर गिर चुका है अच्छा खासा हाएस्ट एवर पिछले बारह महीने में परफॉर्मेंस है ओके तो ऑब्वियस सी बात है शेयर को यहाँ पर भागना है शेयर यहाँ पर रुकने नहीं वाला है कंपनी ने ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर को डबल का रिटर्न दिया था करेक्ट हो गया

और यहाँ पर जब शेयर भागेगा तो मुझे यहाँ पर नजर आता है कि लगभग लगभग अगर यहाँ की भी बात करूं कि ये शेयर तो देखिए तीस परसेंट के रिटर्न स्विंग ट्रेड में बनते हुए नजर आ रहे हैं ओके okay, और थोड़ा सा यहाँ पर शेयर को और रख लेते हैं तो शायद यहाँ पर हजार का लेवल भी टच कर सकता है शेयर ऑलरेडी यहाँ पर गिर चुका है शेयर के वैल्यूशन ज्यादा है बट, बट अच्छा रि, मार्जिन पे इफेक्ट आ रहा है ये कंपनी मार्जिन में भी अच्छी है रिजल्ट अच्छा पेश कर रही है सबसे अच्छा पेश कर रही है तो ऑबियस यही बात है ये शेयर पर हम बिलीव कर सकते हैं जब यहाँ पर गिर रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है और इस शेयर में आप यहाँ पर फिर उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेड भी ले सकते हैं और यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बन भी सकता है तो यहाँ पर चीजें ऊपर जाए तो उस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं स्विंग ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं तो मंडे को मोस्ट प्रोबेबली यहां पर मार्केट देख के मैं यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर पोजिशन लीजिएगा तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस